हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान प्रोटेस्ट पाकिस्तान ने जो हृदय विदारक घटना कश्मीर के अंदर करी है, जिसके अंदर अमृतपाल एक कारपेंटर पंजाब से आया हुआ जो वहाँ लोगों के दरवाजे बना करके घर का निर्माण करने का प्रयास करना चाहता था, उसको गोली मार के मार दिया गया। और एक और बच्चा जो अभी हॉस्पिटल के अंदर है, शबे बरात शबे महराज जो भी शब्द है, एक धार्मिक दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन पूजा की जाती है, जिस दिन इबादत की जाती है, एक ऐसा दिन जिसमें अल्लाह को याद किया जाता है। और आज उस दिन को लेकर के एक खूनी दरिंदों जैसी हरकत करने का प्रयास किया गया है, और उस खूनी दरिंदों की हरकत में एक हमारा भाई, एक हिंदुस्तानी हमसे अलग हो गया। एक ऐसी हृदय विधायक घटना, जिस घटना के दिन एक ऐसा दिन चुना गया जब पाकिस्तान के अंदर चुनाव था, एक ऐसा दिन को निर्धारित कर दिया गया जिसमें ये बताने का प्रयास हुआ है कि पाकिस्तान चुनाव के दिनों के अंदर भी बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के अपने घर के अंदर 26 लोग जो हैं बम ब्लास्ट के अंदर चले गए, एक और ब्लास्ट हो गया। लेकिन मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। ये बालाकोट की एक और ऐसी घटना, जिस घटना के अंदर पाकिस्तान को नस्ते नबूद करने की बातें हों और तय कर दिया जाए 65-70 की जंग, तब पाकिस्तान को एक सबक सिखाने का प्रयास होगा। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं जी, एक ऐसे धार्मिक वाले दिन, एक ऐसा धार्मिक दिन जिस तरह की घटना करके क्या बताने का प्रयास हो रहा है कि मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई। लेकिन किस दिन के उपरांत, जिस दिन एक भाईचारे का मैसेज, एक धार्मिक वातावरण का मैसेज, पूजा वाला मैसेज, अल्लाह को याद करने वाला मैसेज, उस दिन इस तरह की घटना करके क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर एक और बाला का उठो और नस्ते नबूद हम पाकिस्तान को करने का प्रयास कर पाएँ और सीधी जवाब उनको दे पाएँ, ताकि इस तरह की घटना फिर पाकिस्तान करने की नौबत ना आ पाए।